देखो एग्जाम्पल्स ऑफ एसी के अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में आती हैं, पहला एग्ज़ाम्पल है कि शो ये जो एक फिगर है इसमें ईएमएफ और टाइम के साथ वेरिएशन गिवन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितनी है 314 है और टाइम है 0.1 और ये पूरा टाइम पीरियड गिवन है। जो शेडेड पोर्शन है वो कह रहा है इसकी एवरेज वैल्यू निकालो ईएमएफ की। हमने जो ईएमएफ की मीन या एवरेज वैल्यू निकाली वो भी हाफ साइकिल के लिए निकाली थी, तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है 2/π इंटू मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट या 0.637 इंटू ई नॉट, एक ही बात है। तो ई नॉट की वैल्यू 314 है, आंसर क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दो ग्राफ दिखाए गए हैं और एक किसी दो सर्किट एलिमेंट। ये सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, तीन टाइप के सर्किट एलिमेंट्स हमने स्टडी किए, एक आर, एक एल और एक सी, एल सी आर, ये सर्किट एलिमेंट्स हैं। तो एसी करंट उसमें से जा रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपोजिशन करंट का बिहेवियर दिखाया गया है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सर्किट एलिमेंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ये ग्राफ। इसमें ऑपोजिशन का मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के साथ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस, क्योंकि कैपिटल आर की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक्सएल इंडक्टर है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा, तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये कौन है, रेजिस्टर, ये कौन है, इंडक्टर, क्लियर है। नेक्स्ट है, ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी, सेम क्वेश्चन है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऑलरेडी हमने किया, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, कैन दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज एलसीआर बी ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स, या और होना चाहिए वैसे और कैपेसिटर। तो ये इसका सॉल्यूशन गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, गलत है ये। तो कह रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर की नेट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है क्या है बताओ। वैसे फॉर्मूला एलसीआर में क्या होता है, वी आर का स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, इसमें आर तो है ही नहीं, तो क्या बता, क्या बचा, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, यानी कि वी एल माइनस वी सी। तो नेट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई, वी एल माइनस वी सी। अब इमेजिन करो कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट है, कैपेसिटर में 10 वोल्ट है और नेट वोल्टेज क्या आ गई, जीरो। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि इंडक्टर के अक्रॉस बड़ी वोल्टेज है, नेट के लॉन्ग छोटी है, इन कैपेसिटर में बड़ी वोल्टेज है, नेट में छोटी है। तो इसका मतलब पॉसिबल है इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज बड़ी हो सकती है नेट वोल्टेज से। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, ये गलत लिखा हुआ है, ये लिखो यहाँ पे, ये करेक्शन करो इसमें। क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट है, आपको आर एल और सी अलग अलग गिवन है, एसी के साथ कनेक्टेड है। तो एक्सप्लेन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ भी इंक्रीज, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं तो इसमें करंट कैसे अफेक्ट होगा। रेजिस्टेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी से, तो करंट विल रिमेन सेम, पहला आंसर। इंडक्टर के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो एक्स एल इंक्रीज होता है, एक्स एल इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होगा, दूसरा आंसर। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एक्स सी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से ओमेगा इंक्रीज करने से एक्स सी डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, तीसरा आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज होगा समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में एल और आर सीरीज में है, बल्ब आर है और ये इंडक्टर, एल आर सीरीज में और ये एसी है, कि हाउ डज ब्राइटनेस ऑफ बल्ब चेंज। तो इसकी जो ब्राइटनेस है बल्ब की कैसे चेंज होगी आपको बताना है, जब नंबर ऑफ टर्न्स इंडक्टर में मैं कम करने वाला हूँ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम हो जाए तो सेल्फ इंडक्शन कैपिटल एल की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपको डेरिवेशन याद हो या फॉर्मूला याद हो एल का, तो एल का फॉर्मूला में क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल कुछ ऐसा था,
तो एन स्क्वायर, तो सेल्फ इंडक्शन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, अगर एन कम हो गया तो एल कम हो गया, एल कम हो गया एक्स एल कम हो गया, तो अगर इसका एक्स एल कम हो गया तो ऑब्वियसली जेड कम हो गया, इंपिडेंस कम होगी, इंपिडेंस कम होगी तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो ब्राइटनेस बढ़ गई, सारी गेम ही करंट के ऊपर है, करंट बल्ब में बढ़ गया तो ब्राइटनेस बढ़ गई, करंट कम हो गया ब्राइटनेस कम होगी, करंट कब बढ़ेगा जब रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसमें एल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से एल बढ़ेगा तो एक्स एल बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट कम की वैल्यू क्या होगी इसमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें क्या होगी, एल मैंने क्या बोला है, एन को कम करने से सॉरी एक्स एल कम होगा, एक्स एल कम होगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। अब वो कह रहे हैं कि चलो इसके अंदर आर भी है एल भी है, एक मैंने और कैपेसिटर भी लगा दिया बीच में, सच दैट कैपेसिटर की जो एक्स सी है और एक्स एल बराबर है, यानी कि रेजोनेंस है, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, एल सी आर पे हो गया, एल सी आर पे इम्पिडेंस ये होती है, एक्स एल एक्स सी के इक्वल अगर हो गया तो एक्स एल एक्स सी को कैंसिल कर गया, तो इम्पिडेंस क्या होगी मिनिमम होगी, करंट क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी क्योंकि करंट मैक्स हो गया तो ब्राइटनेस बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर देने हैं। नेक्स्ट है, एक बल्ब है और एक इंडक्टर है और ए सी मेन्स है, स्विच अभी दबाया नहीं है हमने, क्लोज नहीं किया। अब वो कह रहा है कि इस केस में की के साथ ये कनेक्टेड है, स्विच इज क्लोज आफ्टर सम टाइम, स्विच को मैंने बंद कर दिया, एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, तो इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर में एक लोहे की रॉड को इंसर्ट कर दिया, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी कम होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आयरन की रॉड को हमने इंसर्ट किया, तो ये क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या करना है, जब आयरन रॉड इंसर्ट करते हैं तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर की फॉर्म में होता है, पर आयरन रॉड की फॉर्म में वो म्यू नॉट म्यू आर भी हो जाता है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर इंटू एल बाई ए या ए बाई एल, तो आपका फॉर्मूला वो वैक्यूम का नहीं रहता, मीडियम का हो जाता है, तो आपका आंसर म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप आयरन रॉड किसी भी इंडक्टर में डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आयरन रॉड डालने से एल बढ़ता है, म्यू आर टाइम्स हो जाता है, आयरन रॉड का जो भी म्यू आर है उसके टाइम इंक्रीज हो जाता है, जब एल बढ़ता है तो एक्स एल बढ़ता है, एक्स एल बढ़ता है तो आर एल सर्किट की जेड की वैल्यू बढ़ती है, जेड बढ़ता है तो करंट कम होता है, करंट कम होता है तो ब्राइटनेस कम होती है। तो ये रूल याद रहेगा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है आयरन रॉड इंसर्ट करने से एल की वैल्यू बढ़ती है, एक्स एल बढ़ता है, इंपिडेंस बढ़ती है, करंट कम होता है, ब्राइटनेस कम होती है। सेकेंड पार्ट है, अगर वो कह रहे हैं ए सी इज रिप्लेस बाय डी सी, फिर तो कहता है इंडक्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ए सी की जगह डी सी करोगे तो डी सी करंट का, डी सी करंट पास करने से, स्टेडी करंट पास करने से इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है, तो एक्स एल तो हट ही जाएगा, एक्स एल हट जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अकेला आर रह जाएगा, जब ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो फिर करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होगी, एक्सएल का रोल ही खत्म हो गया, जब एक्सएल खत्म हो गया यानी कि अपोजिशन नहीं मिलने वाली इंडक्टर से, सिर्फ रेजिस्टेंस से मिलेगी, तो ऐसे केस में करंट बढ़ जाएगा, ग्लो बढ़ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे आंसर सोचना है इसमें। नेक्स्ट है, एक सी और एक आर और एक बल्ब सीरीज में है, बल्ब ग्लोज विथ सम ब्राइटनेस, बल्ब की कुछ ब्राइटनेस है, हाउ विल ग्लो चेंज अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटर में, रेजिस्टेंस रिमेनिंग द सेम, जब हम डायलैक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर में डालेंगे तो बोलो इसकी कैपेसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स, तो इसकी कैपेसिटी के टाइम्स हो गई, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो एक्स सी कम हो जाएगा, एक्स सी कम होने से, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाएगा तो ग्लो बढ़ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। और अब सेकेंड क्वेश्चन है, आर को इंक्रीज कर रहे हैं कीपिंग सी कांस्टेंट, जब आर को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, ऑब्वियसली करंट कम होगा तो ग्लो कम हो जाएगा, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कैसे सोचना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है, मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एल सी आर डिपेंड्स, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, किन किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ एल एंड वैल्यू ऑफ सी पे, एल और सी आंसर है। फिर वो कह रहे हैं कि प्लॉट करो ग्राफ इंपिडेंस का वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हमने ग्राफ कभी ड्रॉ नहीं किया, हमने एलसीआर में करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किया, करंट वो याद है पीक वैल्यू पर नीचे आ जाती है,
हमने पीक वैल्यू और नीचे का करंट ड्रॉ किया, हमने इम्पीडेंस का ड्रॉ नहीं किया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस मिनिमम होती है, इक्वल टू आर होती है, ये देखो इक्वल टू आर है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जेड आर है तो मिनिमम है, अदरवाइज बड़ी छोटी होती है, बड़ी हो जाती है। तो आपका ग्राफ का वेरिएशन याद रहेगा जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट है। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस पर जेड मिनिमम है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है। ग्राफ की वेरिएशन याद रखनी है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, फिर से एक बार एक बल्ब है और एक इंडक्टर और दिख रहा है लोहे की रॉड भी बीच में है। तो बल्ब है, इंडक्टर है और डीसी है, प्लीज यहाँ पर डीसी है, एसी नहीं है। अब डीसी सुनते ही समझ में आता है कि इंडक्टेंस का रोल खत्म हो जाता है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये डीसी है और स्विच एस है। व्हाट विल वन ऑब्जर्व व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड? जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या ऑब्जर्व करूंगा? मैं ही ऑब्जर्व करूंगा कि करंट एकदम, देखो मान लो करंट यहां से 10 एम्पीयर जाना था, वो एकदम 10 नहीं हो पाएगा, 0 से 10 होने में वो समय लेगा। और जब तक वो स्टेडी मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं करेगा तब तक इंडक्टर अपना रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं कि डीसी में करता नहीं, डीसी तब अपना रोल प्ले नहीं, इंडक्टर तब अपना रोल प्ले नहीं करता डीसी में जब करंट मैक्सिमम हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है, फिर एक्सएल जीरो हो जाता है। पर जब तक करंट बढ़ रहा होता है 0 से 10 एम्पीयर तक, तब तक इंडक्टर अपना रोल प्ले करेगा। तो बल्ब ठीक तरह ग्लो नहीं कर पाएगा, धीरे होगा, लेकिन टाइम के साथ करंट पीछे से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो बल्ब है वो ग्लो करता जाएगा, करता जाएगा, फिर करंट मैक्स हो जाएगा, इंडक्टर का रोल खत्म, फिर बल्ब मैक्सिमम ग्लो करेगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रही है और फिर मैक्सिमम हो रही है, क्योंकि इंडक्टर ऐसा बहुत जल्दी होने नहीं दे रहा, करंट को मैक्स होने में वो टाइम ले रहा है, क्योंकि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को डेवलप कर रहा है जब करंट उसमें ग्रो कर रहा है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर, ऑब्जर्वेशंस क्लियर है? नेक्स्ट है, हाउ विल ग्लो चेंज अगर डीसी रिप्लेस्ड बाय एसी? अब डीसी को एसी से रिप्लेस किया तो फिर इंडक्टर अपना पूरा रोल प्ले करेगा, क्योंकि एसी कॉन्टिन्यूस चेंजिंग करंट है। जब इसमें करंट चेंज होगा, इसमें लोहे की रॉड भी है, आयरन, तो इससे एल बढ़ जाएगा, म्यू आर टाइम्स बताया था आज, तो आयरन रॉड से एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, तो ग्लो जो ज़्यादा था अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर के आने से टोटल इम्पीडेंस बढ़ जाएगी, इम्पीडेंस बढ़ने से आपकी रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाएगा, ग्लो थोड़ा कम रहेगा। एसी में ग्लो कम रहेगा, डीसी में ग्लो एकदम बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, पहचान सकते हो इसमें से कौन एल कौन सी? हमने किया था, बोलो। ऊपर वाला डायग्राम ओनली इंडक्टर का, ओनली कैपेसिटर का? करंट कैपेसिटर नहीं, इंडक्टर, क्योंकि ये माइनस कॉस से, देखो वोल्टेज साइन का ग्राफ फॉलो कर रहा है और करंट माइनस कॉस, मैंने उस टाइम बताया था माइनस कॉस इंडक्टर होता है, पेपर में आता है, और प्लस कॉस क्या होता है, कैपेसिटर होता है। राइट, क्लियर है? तो आ गया ये क्वेश्चन, फॉर अ सीरीज एलसीआर कनेक्टेड टू साइनोसाइडल एसी वोल्टेज आइडेंटिफाई द ग्राफ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। तो कह रहा है कि इन ग्राफ में से ए और बी में से एक ऑप्शन चूज करो, ए आंसर है कि बी आंसर है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के इक्वल है, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स एल किसके इक्वल है, एक्स सी के इक्वल है। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो एक्स एल की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, एक्स सी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो एक्स एल की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज। यानी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स एल बड़ा हो जाएगा एक्स सी से, एक्स सी छोटा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्स एल बढ़ता है, एक्स सी छोटा होता है, कोई डाउट इसमें? तो यानी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से बड़ी है तो एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, और अगर एक्स एल बड़ा है तो ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है। इंडक्टेंस डोमिनेटेड में क्या होता है, इंडक्टर का ग्राफ बनेगा, इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है, करंट नीचे से माइनस कॉस से, तो आंसर क्या होगा, ए ग्राफ होगा। पर अगर आपका एक्स सी बड़ा होता तो कैपेसिटेंस वाला ग्राफ बनता, नीचे वाला ग्राफ बनता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन है, फिगर शोज हाउ रिएक्टेंस चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी. तो ये रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी, फाइंड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, यानी कि ये ग्राफ जो रिएक्टेंस है वो एक्स एल के लिए बना हुआ है, एक्स सी के लिए बना हुआ, क्योंकि रिएक्टेंस दो टाइप की होती है, एक्स एल भी होता है, एक्स सी भी होता है, यहाँ पर एक्स एल की बात हो रही है. तो ये एक्स एल है और ये फ्रीक्वेंसी है. तो आपको क्या करना है, आपको एल निकालना है. आप एक काम करो, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा. एक्स एल क्या होता है, एल इंटू टू पॉइंट टू फ्रीक्वेंसी. एल क्या होता है, एक्स एल अपॉन टू पॉइंट टू फ्रीक्वेंसी. तो ये ग्राफ किसका है, एक्स एल का और फ्रीक्वेंसी का. तो एक्स एल बाय फ्रीक्वेंसी को मैं स्लोप मान सकता हूँ, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस को क्या मान सकता हूँ, स्लोप. तो स्लोप क्या होगी, एक्स एल बाय फ्रीक्वेंसी, ऐसे होगा, ऐसे होता ना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस. तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, एक्स एल बाय फ्रीक्वेंसी. इसकी स्लोप क्या है, निकाल लो टेन थीटा. टेन थीटा में हाइट कितनी है, 8, और बेस कितने हैं, 400. तो 8 बाय 400 आंसर. ठीक है, स्लोप ऐसी निकलेगी. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, एक आंसर. अब वो कह रहा है कि मान लो इस इंडक्टर के साथ मैंने एक रेजिस्टर भी लगा दिया सीरीज में. अब ये सर्किट क्या हो गया, एल आर सर्किट. आर की वैल्यू 8 ओम पता है, एल हमने निकाल लिया. कह रहे हैं इंपेडेंस निकाल लो जब फ्रीक्वेंसी 300 है. जब फ्रीक्वेंसी 300 है तो बोलो एक्स एल कितना है, 6. तो यानी कि अपने को यहाँ पर एक्स एल क्या लेना पड़ेगा, 6. आर अपने को पता है, इंपेडेंस निकाल दो. अब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे तो अपने को एक्स एल भी डिफरेंट लेना पड़ेगा और इंपेडेंस चेंज हो जाएगी. समझ में आ रहा है यहाँ तक. तो अपने को 300 बोला, अपने 300 पे एक्स एल ले लिया, एक्स एल ले लिया, आर ले लिया, आंसर आ गया. राइट, नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में सीरीज. सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा से समझा दो. इस क्वेश्चन के अंदर ये ग्राफ गिवन है और आपको इसमें इंडक्टेंस, एक इंडक्टर की इंडक्टेंस एक्स एल वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ गिवन है. आपको पहले एल निकालना है. तो आपने एक्स एल का फॉर्मूला क्लियर है, एक्स एल के फॉर्मूले में ये भी क्लियर है, एल एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ. आप एक काम करो और आसान कर देता हूँ, आप इस ग्राफ में से कोई भी एक्स एल बोलो. चलो मैंने 8 बोल दिया, तो अगर मैंने यहाँ पर 8 बोल दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फिर फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी आएगी, 400. अगर आप मुझे 6 बोलते तो मैं क्या लेता, 300. आंसर फिर भी सेम आता. अब ठीक है यहाँ तक, यस सर, है ना. और उसी केस में वो कह रहा है 300 फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल क्या है, 6. तो 300 फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल 6 और साथ में आर लगा दिया, एक्स एल और आर आ गया, तो यहाँ से इम्पिडेंस आ जाएगी. इस क्वेश्चन को देखो, देखो सीरीज LCR इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई.
तो सीरीज एलसीआर है, ये सीरीज एलसीआर है, तो ये ई आरएमएस है और ये फ्रीक्वेंसी है। अगर वोल्टेजेस वी वन वी टू वी थ्री की वैल्यू आपको गिवन है, देखो ये सीरीज में है प्लीज़, इसके आसपास वोल्ट मीटर लगे हुए हैं ताकि जो रीडिंग को मेजर कर सके। तो इसकी वोल्टेज पता है, इसकी पता है और इसकी पता है, तो ये कितनी है, 65 वोल्ट है, 415 वोल्ट है और 204 वोल्ट है, तीनों वोल्टेजेस पता है और साथ में इसकी आर की वैल्यू भी पता है। तो अगर आपको इसका वी पता है, इसका आर पता है, तो फिर आपका आई तो निकाल ही सकते हो। तो आप इसमें क्या करोगे, आपको ई आर एम एस की वैल्यू पता है 220, आपको फ्रिक्वेंसी पता है, आपको आर पता है और तीनों वोल्टेजेस पता है। तो पहला पार्ट है एल निकाल लो। अब एक काम करो, नहीं पहला पार्ट है आई आर एम एस निकाल लो। आई आर एम एस में क्या करेंगे, ओम लॉ लगाएंगे रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस के अंदर ओम लॉ क्या लगेगा, वी आर एम एस इज आई आर एम एस इंटू आर, तो आई आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस बाय आर। वी आर एम एस इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर ने क्या रीडिंग मेजर की, 65, और आर की वैल्यू कितनी है, 100। आंसर ठीक है, पहला आंसर। दूसरा एल निकाल लो। एल क्या है, एल के लिए आप एक्स एल लो, एक्स एल के अंदर आप ओम लॉ लगाओ, वी की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू एक्स एल, तो वी इंडक्टर में क्या होगा, आई आर एम एस इंटू एक्स एल। आई आर एम एस की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट से निकाल ली, वोल्टेज इंडक्टर में पता है, यहाँ से क्या आ गया एक्स एल, एक्स एल क्या होता है एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, यहाँ से फ्रिक्वेंसी आ एल, एल की वैल्यू आ गई, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो गिवन है इसमें 50। ठीक, दो। तीसरा फाइंड सी, अब कैपेसिटर में ओम लॉ, वी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी, वी सी पता है, आई आर एम एस फर्स्ट पार्ट से पता है, एक्स सी 1/C ओमेगा, सॉल्व करके सी आ गया। अब लास्ट पार्ट है, फिर से सी निकाल लो, फिर से सी निकाल लो, लेकिन एल को सेम रखना जो पहले निकाला था, ताकि रेजोनेंस हो जाए। रेजोनेंस में क्या होता है, एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, तो एल तो सेम रखो एल ओमेगा में, सी को सी डैश कर दो, तो एल पुराना यूज करो, फ्रिक्वेंसी तो 50 गिवन ही है, यहाँ से सी डैश निकाल लो, रेजोनेंस हो गए। क्लियर है यहाँ तक, तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट इसमें? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बहुत पेपर्स में आता है, 96 नंबर शीट पे ये मेंशनड है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार ये मेन नीट में और एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, नीट और मेन में तो बहुत ही बार दिखेगा, नीट में तो ज़्यादा दिखेगा। आपको इस टाइप से ए और बी दो पॉइंट गिवन है, आपको इंडक्टर लगा के देगा और साथ में आपको रेजिस्टर लगा के देगा, इसके अंदर आपको करंट देगा, मूव कर रहा है, और करंट कभी भी कांस्टेंट नहीं देगा, दे भी सकता है मर्जी है वैसे तो। तीन केस बनेंगे, या तो वो बोलेगा करंट बढ़ रहा है, या बोलेगा करंट कम हो रहा है, या बोलेगा करंट कांस्टेंट है। अगर करंट बढ़ रहा है तो कहेगा, मान लो करंट बढ़ रहा है, और करंट रेट किस रेट से बढ़ रहा है, डी आई बाई डी टी, जिसकी वैल्यू क्या है, 3 एम्पियर पर सेकेंड, तो दिस इज डी आई बाई डी टी। और किसी भी इंस्टेंट पर जो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, उस टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर है, राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो किसी भी इंस्टेंट पर डी आई बाई डी टी 3 एम्पियर पर सेकेंड है, करंट किसी भी इंस्टेंट पर 1 एम्पियर है, और इसमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी। तो जब मैं ए से बी तक जाता हूँ, तो आप किरचॉफ लॉ याद हम करते थे, वी ए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई इंटू फोर, ऐसे लगता था करंट की डायरेक्शन में जाने में माइनस आई इंटू फोर। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इक्वल टू क्या, वी बी, ऐसे लगता था याद है, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, वी ए से स्टार्ट होकर वी बी तक जाते हैं, तो वी ए से स्टार्ट हुए, करंट की डायरेक्शन में गए, माइनस आई इंटू फोर, इंड्यूस्ड ईएमएफ ली, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। इंपॉर्टेंट ये है इसमें, अगर आपको करंट इसके अंदर इंक्रीज मेंशनड है, अगर आपको करंट इसमें इंक्रीज मेंशनड है, तो डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है, ये जो ई एम एफ है, इसके आगे नेगेटिव लगेगा, क्योंकि जब करंट बढ़ता है तो इंड्यूस ई एम एफ अपोजिशन में आपकी ई एम एफ को कम करती है। लेकिन अगर आपके न्यूमेरिकल में ये करंट डिक्रीज गिवन है, तो फिर यहाँ पर प्लस लगेगा, क्योंकि जब आप करंट को डिक्रीज करोगे तो ईएमएफ बढ़ जाएगी कम होने की बजाय, तो प्लस एलडीआई बाय डीटी लगेगा। कई बुक्स ऐसे नहीं करती, कई ऐसे करती हैं, वो हमेशा ही नेगेटिव लगाती हैं, वो कहती है माइनस एलडीआई बाय डीटी। अगर करंट बढ़ रहा है तो डीआई बाय डीटी पॉजिटिव है, अगर करंट कम हो रहा है तो डीआई बाय डीटी नेगेटिव है, माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, बात ही खत्म, ऐसे कर लो। क्लियर है? तो इस केस में आपको करंट वीए माइनस वीबी निकालना है, करंट आपको कितना गिवन है इसमें 1 एम्पियर, और डी आई बाई डी टी कितना गिवन है 3, आंसर 10 वोल्ट। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर करंट आपको डिक्रीज देता तो ये क्या हो जाता, माइनस की जगह प्लस
आंसर चेंज हो जाता। और अगर इसी क्वेश्चन में करंट कांस्टेंट देता तो डी आई बाई डी टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता, जीरो। तो वी और बी बी की वैल्यू आंसर। तो समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे करना है।